तब थे 500 गोरखा, जिसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं थी, और दूसरी ओर अंग्रेजों की जो सेना थी वो 3500 की सेना, और इन्हीं दीवारों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को काफी देर तक रोक कर रखा था। देव, मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। आज हम हैं खलंगा की पहाड़ी पे, जो देहरादून से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और खलंगा का अगर हम बात करें तो कुछ खलंगा की पहाड़ी का महत्व है, वो ब्रिटिश गोरखा लड़ाई से बहुत ही मिलता जुलता है, या कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गोरखा लड़ाई है उसका एक प्रमाण है। 1815 की सुगौली की संधि आप सभी को याद होगी, जिसके बाद भारत में या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो गोरखाओं का राज्य समाप्त हो गया था और ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो 1814 की वो घटना जिसे हम खलंगा युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक इसी जगह पे जहाँ पे आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 31 अक्टूबर 1814 यहाँ पर खलंगा का युद्ध लड़ा गया था, जो एक बेमेल सा युद्ध था, जिसमें एक तरफ थे 500 बहादुर गोरखा सैनिक, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और दूसरी ओर एक आधुनिक हथियार से लैस ब्रिटिश सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था गिलेस्पी, जिससे नेपोलियन के साथ युद्ध का काफ़ी अनुभव था। जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह को कहा जाता है खलंगा। अमूमन खलंगा की अगर हम बात करें तो खलंगा एक नेपाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब छावनी होता है। ये माना जाता है कि अपनी भाषिक समझ के आधार पे अंग्रेजों ने इस जगह को छावनी कह दिया होगा, लेकिन ये छावनी नहीं अपितु क्या था कि चार दीवारी का निर्माण जैसे तैसे उस समय बलभद्र कुंवर, जो गोरखा सेना को लीड कर रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पर एक चार दीवारी बनाई गई थी। और जो 1814 का युद्ध था वो एक तरह से एक बेमेल युद्ध था, एक तरफ थे 500 गोरखा जिसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं थी, और दूसरी ओर अंग्रेजों की जो सेना थी वो 3500 की सेना थी जिसमें आधुनिक हथियार से लैस अंग्रेज थे। फिर भी जो गोरखा लोग थे उन्होंने बहुत बहादुरी से उस युद्ध को लड़ा और 2 बार अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अंत में ब्रिटिशर्स ने अपने जो अनुभवी सेनानायक थे गिलेस्पी, उनको मेरठ से बुलाया। गिलेस्पी, जिसे पोलैंड या वारसा के युद्ध का हीरो भी कहा जाता था क्योंकि उसे नेपोलियन के साथ युद्ध लड़ने का अच्छा अनुभव था, वो 1814 में यहाँ पर आए और इस खलंगा के युद्ध में, हालांकि वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके पश्चात कर्नल मावी, अगर हम इतिहास को देखें तो ये हमेशा से ही होता है कि अपना ही कोई भेदिया अपने राज दुश्मनों को बता देता है। गोरखाओं के साथ भी यही हुआ, कर्नल मावी को किसी घर के भेड़िया ने बता दिया कि ऊपर पानी बहुत कम है और जो गोरखा लोग हैं नीचे नाला पानी का जो बावड़ी है, जहाँ तालाब है, वहाँ से पानी का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजों ने अमूमन फिर से उसी प्रकार की जो युद्ध नीति थी उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने उस पानी को रोक दिया। भूखे प्यासे गोरखा कितने दिन तक उन लोगों का सामना कर पाते, और अंत में 1814 में उन लोगों ने आपस में समर्पण कर लिया।
कहते हैं कि जब कलंगा का युद्ध हुआ था, जो बलभद्र कुंवर और उसके साथियों ने जो दीवारें बनाई थी अंग्रेजों को रोकने के लिए, उसके अवशेष कहीं कहीं मिलते हैं यहाँ पे, जो चूना पत्थरों से, लकड़ियों से, पत्थरों से उसके अवशेष इस जंगलों में मिलते हैं। और इन्हीं दीवारों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी देर तक रोक के रखा था, जो आज भी इस नाला पानी या इस खलंगा नामक स्थान पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का ये जो सफ़र था खलंगा स्मारक का, जो कहानी थी उन वीर योद्धाओं की, उन 500 वीर बहादुर गोरखाओं की, जिन्होंने 3500 की जो ब्रिटिश सेना थी उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही इतिहास के धुतले होते हुए पन्नों के साथ ये सफ़र जारी रहेगा, फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए दगड़ियों भले रहिए। मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा।